कर रहे हैं यहाँ के एक पौध उत्पादन का, यानी कि जो भी कुछ आप लोग फसल लगाते हैं, फार्मिंग करते हैं, जो भी किसान भाई जो फार्मिंग करते हैं उनके लिए एक और अच्छा ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, या मतलब माफ़ कीजिएगा, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे प्लांट प्रोडक्शन का जो हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा है, वो भी ऑप्शन एक रोज़गार का, जिसमें बहुत अच्छी इनकम भी है। किसान भाइयों से बताना चाहूँगा कि वो 2 या 3 माह में 2-3 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं इसमें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं थोड़ा दिखाना भी चाहूँगा सबसे पहले तो आप सभी को, आप मेरे साथ, मैं दिखाना चाहूँगा कि इस प्रकार से ये पोलियो हाउस बना है यहाँ पे, और यहाँ पे बीज लगाया गया है शिमला मिर्च का, सभी ऐसे सब्जियों का जिन पे आप लोग, जिनका डिमांड है क्षेत्र में, और यहाँ प्रोडक्शन किया गया, इस पर उत्पादन किया गया। इसके बाद जैसी बड़ी होगी, इसके पास सप्लाई हो जाएगी इसकी, और इसमें आराम से 2-3 लाख रुपए आप आराम से कमा सकते हैं, जिस हिसाब से एरिया है। तो हम आपको थोड़ा सा एक डेमो बताना चाहेंगे इस क्षेत्र का, तो आप मेरे साथ, मैं सबसे पहले तो आपको अंदर से दिखाऊँ, फिर आपको कंप्लीट इसको खोल करके पूरी बताऊँगा आप लोगों को। आप मेरे साथ देखें कि इस क्षेत्र में यहाँ पे ये पौध लगाई गई, यहाँ पे पौध की क्यारियाँ हैं, और ये है पौध शिमला मिर्च की, शिमला मिर्च की पौध है, और अभी हालांकि नाजुक है थोड़ा, छोटी है, और इन्होंने अच्छी, हालांकि इन्होंने हाइब्रिड का बीज लिया है, बहुत ही अच्छी है। और उसके बाद इन्होंने क्यारियाँ नर्सरी बनाई है, मैं अंदर भी दिखाता हूँ आप सभी को पहले एक बार ही। नर्सरी के अंदर आप देख रहे होंगे थोड़ा जाने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन बहुत ही शानदार है यहाँ पे। इस प्रकार से दिखाऊँ, ये टमाटर का पौधा है इधर, ये आप देख रहे होंगे इन्होंने इसके बाइंडिंग कैसे, इसका जो डेकोरेशन है कैसे किया है इसमें इन्होंने, मैं दिखा क्लोज नज़दीक जाकर दिखा रहा हूँ, इसमें इन्होंने ये वायर लगाई है, वायर बोले तो सरिया लगाई है, और बाहर से ये प्लास्टिक का लगाया है, त्रिपाल का, इसमें ईयर क्रॉस हो सकती है इसमें आराम से, और बांधा गया बहुत अच्छी तरीके, अगर इसमें बारिश है ओले पड़ते हैं तो ये आराम से इसको सेफ कर सकता है। इस प्रकार से पौध को कोई ऐसी ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता है, और यही मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा। इस प्रकार से बहुत ही शानदार है ये भी बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया इस चीज़ इन इन इन्होंने अपने पौध को बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ देखिए, अगर पानी का प्रॉब्लम होगा तो इन्होंने टैंक की व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से कर रखी है। और इसके बाद मैं आप सभी को जो है खोल कर बताऊँगा अंदर से कि किस प्रकार, कम्प्लीटली दिखाता हूँ फिर कि अंदर किस प्रकार से डेकोरेशन किया गया है इसका। इसके बाद इससे जो है हटाया जा रहा है इसको, इसमें जो इन्होंने कबर चढ़ा है इसको हटा रहे हैं अंदर से। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार से अंदर से इसका दिख रही है पौध, और किस प्रकार से तैयार है अंदर से कम्प्लीटली, इसके बाद देख सकते हैं आप लोग। देख लीजिए, एक कंप्लीट तरीके से खोल दिया गया है इसको, और आप देख सकते हैं इसमें कि किस प्रकार से बहुत ही शानदार तरीके से ये बीज का जो बीज है, इसमें सीड्स हैं लगाए गए हैं, पौधे अभी छोटे हैं हालांकि, पर अच्छी तरीके से तैयार हो रहे हैं वो धीरे धीरे, और बहुत ही अच्छा डेकोरेशन भी यहाँ का। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा सभी किसान भाइयों को और मेरे युवा साथियों को कि पहाड़ भी, हमारा पहाड़ है यूरोप यूरोप से कम नहीं है। जब वहाँ पे ट्रक फार्मिंग, यूरोप में ट्रक फार्मिंग के ज़रिए जब इतना बेहतर हो सकता है, तो हमारे पास तो हम यूरोप से आगे हैं। क्यों वो बताइए, यहाँ पानी उपलब्ध है हमारे पास, और एज वेल एज यहाँ पे हमारा जो लैंड है, भूमि है, ज़मीन, वो भी उपलब्ध है बहुत अच्छे तरीके से, आवश्यकता से ज़्यादा है पूरे पहाड़ में। तो आप सभी के लिए अंतिम यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी अगर रोज़गार की तलाश में हैं और रोज़गार पाना चाह रहे हैं और कुछ स्पेशल करना चाह रहे हैं पहाड़ के लिए और अपने लिए खासकर, तो आप इस प्रकार के व्यवसाय को अपना सकते हैं और अच्छा बेहतर जीवन। और हाँ, याद रहे एक अंतिम मैसेज यही कि शहर में
शहर में न जाने कितने प्रकार की बीमारियां चल रही है। सबसे पहले आज तो आजकल कोरोना चल रहा है। कोरोना के लिए यही कहना चाहूँगा कि कोरोना से डरे नहीं सभी लोग, और बस साफ रहें और सुरक्षित रहें, यही है। और इसके पश्चात ये कहना चाहता हूँ कि शहर में हर हर साल एक नई बीमारी ज़रूर आ रही है, ज़रूर होगी भी। अगर यही कहना चाहूँगा, अगर कहीं सुरक्षित स्थान है, कहीं सुरक्षित जगह है इस धरा में, तो वो सिर्फ पहाड़ है। याद रहे, अगर सुरक्षित और साफ अगर कहीं जगह है तो सिर्फ पहाड़ है। करिए आप लोग इस पहाड़ की तरफ ध्यान दें, अपने रोज़गार कर सकते हैं अपने घर पे। इसमें बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट एनवायरनमेंट है, और उसके बाद आप घर पे सब चीज़ कर सकते हैं। हालांकि स्टार्टिंग में मैं समझता हूँ स्ट्रगल होगा, प्रॉब्लम होगी, लेकिन आफ्टर सम टाइम सब चीज़ बहुत ही बेहतर होगा, शानदार होगा। अगर आप सभी को इस प्रकार की वीडियो अच्छी लगी होगी, आप हमें कॉपरेट करिए, तो हम आपके लिए ज़रूर इस प्रकार की धीरे धीरे वीडियोज़ लेके लेके आते रहेंगे, और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच आप सभी का, बीइंग पार्ट ऑफ पहाड़ पहाड़ी का।